नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया टॉपिक्स पर क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 3 क्लास हो चुके हैं, आज चौथा क्लास है। अब पिछले क्लासेज में हमने इस सभ्यता का परिचय प्राप्त कर लिया था। हमने यह भी जान लिया था कि विश्व में सर्वप्रथम नगरों का उदय इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। नगरों की विशेषताओं को हमने जाना था। हमने यह भी जान लिया था कि विश्व में सर्वप्रथम लेखन कला या लिपि का विकास भी इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। हमारा आज का टॉपिक्स है मेसोपोटामिया का धर्म, रिलीजन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का रिलीजन क्या था, वे उनका धर्म क्या था, इस संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। मेसोपोटामिया के लोग प्रकृति पूजक थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवी देवता के रूप में पूजते थे। वे बहुदेववादी थे। वे बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। परंतु प्रत्येक नगर का एक अपना विशेष देवता और एक विशेष मंदिर होता था, जो उस नगर का संरक्षक या पैट्रन माना जाता था। माना जाता है कि मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मंदिरों का निर्माण, टेम्पल्स का निर्माण प्रारंभ हुआ और मंदिर बने। मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में मंदिर का बहुत अधिक महत्व था। मंदिर के पुजारी जो पुरोहित होते थे, उनका भी मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। मंदिरों का संचालन बहुत कुछ जैसे भारत के में पहले गांवों में होता था, मठ का जो संचालन होता था उसी तरह से होता था। मंदिरों के नाम पर ही भूमि का लेखा जोखा होता था। जो शासन के जो नियम बनते थे वो भी मंदिरों के नाम पर ही होते थे। लोग स्वर्ग नरक की भी कल्पना करते थे, तो अतः उन्हें विश्वास था कि नरक के कष्ट से बचने के लिए यह आवश्यक है कि देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाए। तो इस प्रकार उनको जादू टोना, ताबीज इत्यादि, जो जैसे भारतीय गांव में अभी भी बहुत से गांव में होता है, उस तरह से इन सभी चीज़ों में भी उनका विश्वास था। वे आत्मा और आत्मा के विभिन्न रूपों में भी विश्वास करते थे। सुमेर की सभ्यता के अंतर्गत वे अपने संबंधियों के शवों को, डेड बॉडी को, अपने घर के पीछे बैकयार्ड में दफनाते थे। उन्हें लगता था कि इससे उन्हें दुष्ट आत्मा से सुरक्षा प्राप्त होगी। मेसोपोटामिया में जैसा कि हम जानते हैं कि सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता थी, तो तीनों सभ्यताओं में कुछ अलग अलग देवी देवताओं की प्रमुखता थी। जैसे सुमेर की सभ्यता के अंतर्गत अनु, एनलिल,
इनकी नन्नार इन्नाना मीनक सरगा आदि प्रमुख देवी देवता थे। अनु आकाश के देवता थे। इनलिल पृथ्वी देवता थे। वे आंधी तूफान और कृषि के भी देवता थे। वे भाग के भी देवता थे। इनकी ज्ञान के देवता थे और समस सूर्य देवता थे। नन्नार चंद्रमा देवता थे। नन्नार उड़ के भी प्रमुख देवता थे। उड़ के संरक्षक देवता थे। इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। मीनक सरगा सिंचाई की देवी थी। बेबीलोन की सभ्यता के अंतर्गत मार्दुक जो सूर्य देवता थे उनका प्रमुख स्थान था। इसके अंतर्गत इस्तर और बेल भी थे। असीरिया के सभ्यता के अंतर्गत असुर प्रमुख देवता थे जो युद्ध के देवता थे। मारी जो एक प्रसिद्ध नगर था वहाँ दैगन देवता के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के जनजीवन में मंदिर देवता और उसके बाद पुरोहितों का प्रमुख स्थान होता था। वे भौतिक सुख के लिए और वे सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते थे और उसके लिए वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियां करते थे। तो इस प्रकार हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जान लिया है। आगे भी हम इस सभ्यता के अन्य विशेषताओं को जानेंगे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।